हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवे देतीवन। बहुत अच्छी वैकेंसी आई है आर्ट स्वामी आत्मानंद विद्यालय से, जहां पर आर्ट स्कूल की वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। सैलरी यहां पर अधिकतम 38,000 तक मिलेगी। बीएड, बीटीसी, डीएलएड, एनटीटी स्टूडेंट यहां पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहां पर किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, तो प्री प्राइमरी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसी है यहाँ पर। नो एग्जाम यानी कोई एग्जाम नहीं होगा, मेरिट के आधार पर जो है यहाँ सिलेक्शन होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर उन आठ स्कूलों के नाम। पहले देखेंगे हम विद्यालय के, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो कि चपले से वैकेंसी है। शासकीय नटवर इंगलिया स्कूल रायगढ़ से वैकेंसी है, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और कोड़ा तराई से वैकेंसी है। उसके बाद जो है कोतरा से वैकेंसी है, तो ये जगहों के नाम है जहां से वैकेंसी जारी हुई है। तमनार से वैकेंसी है, ये सभी स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है, ठीक है। तो यहाँ से वैकेंसी है, पुसौर से वैकेंसी है, ले लूंगा से वैकेंसी है और घर घोड़ा, ठीक है। ये जगहों के नाम है जहां से वैकेंसी जारी हुई है। यहाँ पर एप्लीकेशन करने की जो डेट है, तो 25 अगस्त से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अंतिम डेट जो है वो 11 सितंबर रहने वाली है। अब हम देखेंगे पोस्ट के लिए कि पोस्ट जो है कौन कौन सी है। तो यहाँ पर जो चपले में जो स्कूल है वहां पर व्याख्याता की जो है यहाँ आवश्यकता है, जीव विज्ञान, गणित और वाणिज्य। इसके अलावा जहाँ शिक्षक लिखा हुआ है, शिक्षक का मतलब है कि यहाँ पर टीजीटी, ठीक है। तो टीजीटी के लिए यहाँ पर इंग्लिश की वैकेंसी है। सहायक शिक्षक का अर्थ है पीआरटी, तो पीआरटी की भी वैकेंसी है। पीआरटी में सभी सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, ठीक है। प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है रायगढ़ में, शिक्षक की है, कला की है, सहायक शिक्षक की है। और कोड़ा तराई में भी जो है सभी पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। कोतरा में भी आप देख सकते हैं व्याख्याता की, जीव विज्ञान, भौतिकी, प्री प्राइमरी टीचर। उसके बाद जो है तमनार में जो वैकेंसी है वह है सहायक शिक्षक। यहाँ पर जो है सहायक शिक्षक पीआरटी की और साइंस टीचर की वैकेंसी है। पुसौर में प्री प्राइमरी टीचर और प्रधान पाठक की वैकेंसी है। प्री प्राइमरी टीचर और की वैकेंसी ले लूंगा और घरघोड़ा, यहाँ पर जो है केवल प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, ठीक है। तो वैकेंसी जो है रायगढ़ जिले के अंतर्गत आठ स्वामी आत्मानंद योजना अंतर्गत संचालित अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में रिक्त शिक्षकीय पदों पर संविदा से भर्ती की जानी है। तो यहाँ पर पहले तो 3 साल के लिए जो है यहाँ आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, आपकी भर्ती यहाँ पर होगी। 3 सालों तक आप कर सकते हैं, इसके आगे भी जो है कई सालों तक यहाँ पर आप लोग बने रह सकते हैं। तो वो भी चीज लिखी हुई है, वो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी। आवेदन 25 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक चलने वाले हैं। नेक्स्ट जो भी इम्पॉर्टेंट चीज है 5 पेजेस की पीडीएफ फाइल में, वो मैंने हाईलाइट कर दी है। यहाँ पर सैलरी क्या मिलेगी, तो व्याख्याता के लिए 38,100 सैलरी है। शिक्षक पद यानी टीजीटी के लिए यहाँ पर 35,400 है। सहायक शिक्षक के लिए, पीआरटी के टीचर के लिए 25,300 है। और प्री प्राइमरी टीचर, यदि आपने जो है यहाँ पर बीटीसी डीलेड किया है और प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। और वैसे अगर एनटीटी के स्टूडेंट अगर यहाँ एप्लीकेशन करेंगे तो उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी। 15,000 सैलरी मिलेगी प्री प्राइमरी टीचर के लिए। एड्रेस रहेगा जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़, पिन नंबर है 496001। इसके पते पर जो है आप लोगों को आवेदन पत्र जो है और उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट स्पीड पोस्ट या रजिस्टर डाक करने हैं। ये एड्रेस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। यहाँ लिखा है कि 12वीं या स्नातक और स्नातकोत्तर, इसके प्रतिशत के अंकों के कुल अंकों के आधार पर जो है वो मेरिट लिस्ट तैयार होगी। उसके बाद जो है 3 दिन का जो है समय दिया जाएगा, जिसमें 2 दिवस के भीतर में अंतिम जो मेरिट सूची है जहां पर स्टूडेंट के नाम होंगे जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो जारी हो जाएगी। यानी फटाफट से जो है वो काम यहां पर होने वाले हैं। संविदा के लिए शर्तें जो है वो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा यदि आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं। व्याख्याता के लिए इन्होंने लिखा है न्यूनतम 50% अंकों के साथ जो है आप लोगों ने यहां पर पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड, ठीक है, बीएड मांगा गया है यहाँ पर पीजीटी के लिए। शिक्षक पद के लिए यहाँ पर टीजीटी के लिए 50% अंक के साथ में बीएड, साथ में टीएड मांगा गया है माध्यमिक स्तर का। नेक्स्ट सहायक शिक्षक पद पीआरटी के लिए यहाँ पर कहा गया है कि 50% अंक होने चाहिए आप लोगों के यहाँ 12th में, और साथ में टेट भी मांगा गया है जो कि प्री प्राइमरी का है, ठीक है। और बीएड या डीएड स्टूडेंट यहाँ एप्लीकेशन कर सकते हैं। कला संकाय जो है इस व्याख्याता शिक्षक और सहायक शिक्षक, इसके लिए जो है यहाँ पर लिखा है कि अंग्रेजी माध्यम से अध्ययनरत अभ्यर्थी अगर नहीं मिलते हैं तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो है यहाँ पर एप्लीकेशन
कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट जो हैं, ये जो स्कूल है इंग्लिश मीडियम है, तो दोनों ही एप्लीकेशन कर पाएंगे। पहले जो है ये प्रायोरिटी देंगे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को, उसके बाद जो है अगर नहीं मिलते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पर हिंदी मीडियम से जो उत्तीर्ण जो अभ्यर्थी होंगे तो उनको यहाँ पर रखा जाएगा। प्री प्राइमरी टीचर के लिए कहा है कि 50% अंक के साथ जो है यहाँ ट्वेल्थ है, डीएलएड, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, मोन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग, जो भी आपने डिप्लोमा डिग्री किया है तो आप एप्लीकेशन कर पाएंगे। लिखा है कि यहाँ पर प्री प्राइमरी टीचर के लिए नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, मोन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग उत्तीर्ण को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर ये नहीं मिलते हैं तो यहाँ पर बीएड डीएलएड स्टूडेंट भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद है इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर देखें आप संविदा नियुक्ति के पदों पर, संविदा जो नियुक्ति है वो आपकी पहले तो 3 वर्ष की समय के लिए होगी, उसके बाद स्वामी आत्मानंद जो समिति होगी उसके द्वारा आवश्यकता के आधार पर अगर इनको जरूरत पड़ेगी तो आगे भी बढ़ाएंगे समय अवधि को। संविदा आधार पर नियुक्ति की उपयुक्तता का आकलन करने के बाद इनको देखेगा कि टीचर जो है वो काफी अच्छा जो है वो पढ़ा रहे हैं और जो है इनको नहीं जाने दिया जाना चाहिए, तो जो है उनको आगे उनकी जो समय अवधि है उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि 3 साल के बाद जो है वो आपको निकाला जाएगा, आपका काम अच्छा रहेगा तो आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर लास्ट में जो है यहाँ दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं सारी, आप लोगों का नाम है, एड्रेस है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, और उसके बाद जो है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है आपकी वो आप फिल कर देंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि लिखी गई है यहाँ पर, जो 8 नंबर है यहाँ लिखा है कि अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो बिल्कुल इस चीज ने जो है ये बता दिया है कि ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ एप्लीकेशन नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर वही स्टूडेंट एप्लीकेशन कर पाएंगे जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर एप्लीकेशन करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है और यहाँ पर सैलरी भी आप लोगों को काफ़ी अच्छी मिल रही है। कोई एग्ज़ाम नहीं होगा आप लोगों का, यहाँ पर मेरिट के आधार पर ही सिलेक्शन होगा। तो इसकी जो मेन वेबसाइट है छत्तीसगढ़ शासन रायगढ़, तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों को नोटिफिकेशन कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आप ये नोटिस में आप देखेंगे यहाँ नीचे आएंगे तो भर्ती, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके सामने ओपन हो गया। यहाँ पर सेकंड नंबर पर लिखा है विज्ञापन, संविदा भर्ती विज्ञापन, ठीक है। तो यहाँ पब्लिश हुआ ये 21 अगस्त को और लास्ट डेट है 11 सितंबर, तो समय से पहले आवेदन कर दें। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।